ओह मैन इट्स टू कोल्ड। और इस विंटर की मौसम पे मैंने आपके लिए डिजाइन किया है कुछ आग बबूला लेट्स वर्कआउट। तो आइए लेट्स वर्कआउट को पूरा देख लेते हैं। तो आप लोग एंजॉय करिए लेट्स वर्कआउट और मैं एंजॉय करता हूँ अपना प्रोटीन शेक। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले पुल अप का 2 सेट्स मार के वार्म अप कंप्लीट करेंगे और हर सेट्स में 5 to 10 reps परफॉर्म करेंगे। तो आइए वार्म अप देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं रियल वर्कआउट सेशन पे। आप लोग देख सकते हैं मैंने वाइड ग्रिप लिया है, आप भी ट्राई करें कि जितना मैक्सिमम ग्रिप आप पकड़ सकें। तो सेकेंड सेट पे मैंने 6 repetition परफॉर्म किया, आप 5 to 10 के अंदर कुछ भी रिपीटेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो वार्म अप के बाद अब चलते हैं रियल वर्कआउट पे। तो रियल वर्कआउट पे हम लोग लैट पुल डाउन के 4 सेट मारेंगे और पहला सेट कम वेट से ज़्यादा रिपीटेशन परफॉर्म करेंगे। तो पहले सेट पे हम लोग 15 रिपीटेशन परफॉर्म करेंगे विथ कम वेट। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ग्रिप को कितना वाइड लिया है, ग्रिप जितना वाइड रहेगा लैट्स उतना ही ब्रॉड और वाइड दिखेगा। तो ट्राई करें कि ग्रिप ऑलवेज वाइड रखें। आप यहाँ पे मेरे फॉर्म को देख सकते हैं, मैं मैक्सिमम स्ट्रेच कर रहा हूँ और मैक्सिमम डाउन करके स्क्वीज कर रहा हूँ फॉर मैक्सिमम मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन जितना अच्छा होगा आपके मसल उतना ही जल्दी ग्रो करेगा। तो यहाँ पे सेकेंड वर्किंग सेट्स पे हम लोग 12 reps परफॉर्म करेंगे विच इज़ एनफ फॉर योर सेकेंड वर्किंग सेट। तो थर्ड सेट्स पे हम लोग वेट्स को इंक्रीज करेंगे और 8 reps परफॉर्म करेंगे। अगेन मैं कह रहा हूँ फोकस ऑन स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग, डोंट फॉरगेट इट, ऑलवेज रिमेंबर स्ट्रेच एंड स्क्वीज। तो ये लैट्स पुल डाउन का फाइनल वर्किंग सेट्स है। तो यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम वेट्स को लिफ्ट करेंगे और 6 repetition परफॉर्म करेंगे। तो फ्रंट लैट पुल डाउन के बाद अब हम लोग बैक लैट पुल डाउन परफॉर्म करेंगे। तो बैक लैट पुल डाउन को मैंने इसीलिए इस वर्कआउट चार्ट पे रखा है ताकि लैट्स मसल को मैक्सिमम स्क्वीज किया जा सके। तो ट्राई करें कि कम वेट से मसल्स को मैक्सिमम स्क्वीज करें। यहाँ पे मैंने फर्स्ट सेट पे 12 repetition परफॉर्म किया है विथ कम वेट। बैक लैट पुल डाउन के 3 ही सेट्स परफॉर्म करेंगे और हर सेट्स के साथ साथ वेट्स को इंक्रीज करते रहेंगे। यहाँ पे सेकेंड सेट्स पे मैंने वेट्स को इंक्रीज किया और 8 repetition परफॉर्म किया। सो एज यू नो फाइनल सेट पे हम लोग मैक्सिमम वेट्स को पिक करेंगे, बट नेवर फॉरगेट कि आपको अपने मसल को स्क्वीज करना है। तो बैक लैट पुल डाउन के बाद अब हम लोग डंबल रोइंग पर चलेंगे। तो डंबल रोइंग का बोथ हैंड सिंगली परफॉर्म करेंगे। तो लाइट वेट से फर्स्ट सेट लगाते हैं 12 repetition, उसके बाद वेट को इंक्रीज करेंगे और रैप्स को डाउन करेंगे। तो राइट हैंड पे परफॉर्म करने के बाद आप लेफ्ट हैंड पे चलते हैं और लेफ्ट हैंड पे सेम वेट रहेगा और 12 repetition परफॉर्म करेंगे। सेकेंड रेपिटेशन पे हम लोग वेट्स को इंक्रीज करेंगे और 10 reps परफॉर्म करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं वेट्स को मैक्सिमम डाउन कर रहा हूँ जिससे कि मेरा लैट्स मैक्सिमम स्ट्रेच हो रहा है
और लैट पे ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। एज यू नो बोथ हैंड पे हम लोग सेम रिपीटेशन परफॉर्म करेंगे सेम वेट्स के साथ। आप यहाँ पे मेरे पोस्चर को देख सकते हैं कैसे मेरा बैक फ्लैट है और मैं बेंच के ऊपर अपने हैंड से प्रेशर दे के रखे हैं। तो फाइनल सेट्स पे हम लोग वेट्स को फिर से इंक्रीज करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा वेट्स कितना ज़्यादा है और ज़्यादा वेट्स के साथ 8 रिपीटेशन परफॉर्म करेंगे। आप अगेन मेरा पोस्चर को देख सकते हैं, मेरा इस पोस्चर के साथ लैट्स कितना ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है आप खुद देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर। डंबल रोइंग के बाद टी बार परफॉर्म करेंगे, तो टी बार का 3 सेट लगाएंगे और हर एक सेट्स के साथ वेट्स को इंक्रीज करेंगे और रैप्स को डाउन करते रहेंगे। तो फर्स्ट सेट में कम वेट के साथ 12 रिपीटेशन परफॉर्म करेंगे, उसके बाद वेट्स को धीरे धीरे इंक्रीज करते रहेंगे। आप देख सकते हैं सेकेंड सेट से मैंने वेट्स को इंक्रीज किया है और 10 रिपीटेशन परफॉर्म करेंगे। आप अगेन मेरे पोस्चर के ऊपर ध्यान दें कैसे मैं अपने बॉडी को स्ट्रेट रखा है और वेट्स को डाउन करते समय मैं अपने बॉडी को डाउन नहीं कर रहा हूँ। फाइनल सेट्स पे मैक्सिमम वेट्स के साथ 6 रिपीटेशन परफॉर्म करेंगे। तो अब चलते हैं साइड ग्रिप पुल डाउन पे। तो साइड ग्रिप पुल डाउन लैट्स के इनर पार्ट के मसल्स के लिए है, तो ये एक छोटा मसल है इसीलिए साइड ग्रिप पुल डाउन को मैंने पर्टिकुलरली 2 सेट्स ही रखे हैं और हर सेट में 10 रिपीटेशन परफॉर्म करेंगे। तो आइए देख लेते हैं साइड ग्रिप लैट पुल डाउन। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वेट्स को इंक्रीज किया है, तो साइड लैट्स पुल डाउन पे हम लोग मसल्स को स्क्वीज के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे ना कि वेट्स के ऊपर। तो कोई ऐसा वेट्स पिक करें जो कि आपको ज़्यादा वेट ना लगे और आपके कंट्रोल में हो। तो अब चलते हैं स्टैंडिंग रोप रो पे। तो इस एक्सरसाइज में लैट्स के साथ बैक भी एंगेज होता है, तो इसके हर एक सेट्स में हम लोग वेट्स को इंक्रीज करते रहेंगे और रैप को डाउन करते रहेंगे। तो अब सेकेंड सेट्स पे वेट को फिर से इंक्रीज करेंगे और 10 रिपीटेशन परफॉर्म करेंगे। आप यहाँ पे मेरे पोस्चर को देख सकते हैं, मैं अपने बॉडी को शेक नहीं कर रहा हूँ, बॉडी मेरा स्टेबल है, सिर्फ लैट्स मसल को एंगेज कर रहा हूँ। Never forget posing after every workout session. तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने जिम पार्टनर के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अनटिल द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, स्टे हेल्दी स्टे फिट।